नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में और उन सभी टूल्स को यूज करेंगे जो हमारे बहुत काम आते हैं। वैसे हम इसके सभी टूल्स का यूज करेंगे, लेकिन बात केवल उन टूल्स की करेंगे जो हमारे काम को बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि हम होम टैब पर जाएं, मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप एक डिफॉल्ट पैराग्राफ ले सकते हैं। यह पैराग्राफ वर्ड में पहले से ही छुपा रहता है। इसका फायदा यह है कि हम जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें कहीं और से पैराग्राफ कॉपी या पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फंक्शन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये एक रैंड फंक्शन है। इतना आपको लिखना है और आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट आप और एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं पैराग्राफ लेने के लिए, जिसका नाम है लॉरेम। इस तरह से आपको फंक्शन लिखना है और इंटर बटन प्रेस करना है। देखिए आपके पास एक पैराग्राफ का सेट आ गया है। अब आप इस पर किसी भी तरह का आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जब पैराग्राफ आ ही चुका है तो हम सबसे पहले होम टैब में जाते हैं और क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट से आप पहले से वाकिफ हैं। आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके देखेंगे हम लोग क्या करता है ये फॉर्मेट प्रिंटर। तो मान लीजिए हमारा पहला पैराग्राफ को हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसे, और हम चाहते हैं कि जैसा फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है सेम टू सेम वही फॉर्मेट दूसरे पैराग्राफ में भी हो। लेकिन जितना काम मैंने इस पे किया उतना काम हमें इस पे नहीं करना है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, जिस तरह का भी हमें दिखाना है दूसरे पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर से क्लिक कर लेंगे। अब क्या है कि इसका जो भी फॉर्मेट है उसे फॉर्मेट प्रिंटर ने पिक कर लिया है। अब जिस भी पैराग्राफ को इस तरह का बनाना है उस पैराग्राफ को सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। देखिए चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ये सभी आप जानते ही होंगे, इसे हम लोग फटाफट यूज कर लेते हैं। ये किस तरह से काम करता है आप देख सकते हैं। देखने वाली बात इसमें सिर्फ यह है कि अंडरलाइन में हमें अलग अलग तरह के फॉर्मेट मिल जाते हैं अंडरलाइन के। अगर आप अंडरलाइन को कलर करना चाहें, किसी भी कलर फॉर्मेट में देना चाहते हैं, तो कलर भी डाल सकते हैं। अब बात करें ये क्या है, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम है, हालांकि इसका काम यहाँ पर इस तरह से यूज नहीं किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं दाम लिखा हुआ रहता है किसी पर, तो उसे काट दिया जाता है इस तरह से और नया वहां पे रिप्रिंट कर दिया जाता है दाम को। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यह है सब स्क्रिप्ट और यह है सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का दोस्तों किस तरह यूज करते हैं वो हम यहाँ पर देखें। आपने साइंस में H2SO4 लिखा हुआ देखा है, क्या ये उस तरह का दिख रहा है? नहीं। अगर हमें बुक की तरह इसे H2SO4 के रूप में देना हो तो हमें 2 को सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट को क्लिक करना होगा, तब ये बिल्कुल उसी तरह के फॉर्मेट में चले जाएगा जिस तरह से केमिस्ट्री में हमने H2SO4 को देखा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अगर ठीक उसी तरह एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में, तो ये उस तरह का नहीं दिख रहा जिस तरह हमें चाहिए। तो हमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके इसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के रूप में दे सकते हैं इसे। देख पा रहे हैं, एक पैराग्राफ यहाँ नया ले लेते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ को अगर देखें तो ये सारा स्मॉल लेटर में है। अगर हमें कभी ऐसा लगा कि हमने स्मॉल लेटर में लिखा है लेकिन उसे हमें प्रिंट करना है अपर लेटर में, या अपर लेटर में लिखा है तो उसे स्मॉल लेटर में बनाना है, तो यहाँ पर एक चेंज केस ऑप्शन मिल जाता है हमें, जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। ये अपर केस जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये सारे अपर केस में हो गए। और अगर आप अपर केस में लिखे हुए हैं तो इसे आप डायरेक्ट लोअर केस में भी कर सकते हैं। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा काम में आती है।
अगर आप सेंटेंस केस में करें तो सेंटेंस केस और लोअर केस में फर्क क्या है कि अगर आप देखें तो किसी भी शब्द के आगे जो फर्स्ट लेटर होता है उसका पहला अक्षर वो बड़ा होता है। आप यहाँ देखें, यहाँ पे नया लाइन चालू हो रहा है और यहाँ पे जो यू लिखा है उसका आगे का वाई छोटा है, तो ये पूरा पूरा स्मॉल लेटर में कर दिया गया है। तो इसे हम सेंटेंस केस पे जब कर देंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का लेटर सभी में बड़ा हो चुका है। अब आगे के ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आप किसी भी लाइन को हाईलाइट करना चाहें तो अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों ऊपर देख लेते हैं हम लोग फटाफट से क्या क्या चीजें हैं। आप अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ टेक्स्ट को कर सकते हैं, यहाँ आप साइज नंबर के हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही आपको एक बड़ा ए और एक छोटा ए है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है फॉन्ट को। अब देखा जाए तो इसके जस्ट बगल में एक है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है इसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो सारा खत्म हो जाएगा, वो जीरो पे आ जाएगा, जैसा था वैसा ही बन जाएगा। देखिए अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ में। पैराग्राफ में पहला देख रहे हैं आप बुलेट्स, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें बहुत तरह के बुलेट्स बने हुए हैं, आप जिस तरह भी कुछ भी लिखते जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इंटर करेंगे हम लोग ऑटोमेटिक वो लेते जा रहा है लाइन। आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट यहाँ लगाना चाहें आपको जो भी पसंद है। ठीक उसी तरह अगर हम नंबरिंग पे जाएं तो यहाँ पर एक अलग अलग तरह के नंबरिंग आपको नंबर्स में मिल जाते हैं, रोमन नंबर, ABCD, जो भी आप यहाँ कुछ भी टाइप करें ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक नंबर काउंट करने लगेंगे। सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है, ये मल्टी लेवल लिस्ट, इसे मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्कूल के अंदर आते हैं क्लास, उसमें पढ़ाते हैं टीचर और टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट को। अगर इसे हम लिस्ट के रूप में देखें कौन किसके अंदर है तो यहाँ हम मल्टी लेवल लिस्ट लगा सकते हैं इस तरह से। और इसको यूज कैसे करना है, यहाँ आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये तो नंबरिंग है, लेकिन यहाँ देखें अगर हम क्लास के आगे क्लिक करें और ये इसे कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक करें, जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए वन के अंदर ये ए फॉर्मेट में आ गया। अब क्लास के अंदर टीचर होते हैं तो टीचर को क्लास के पीछे करना होगा, तो हम इंक्रीज इंडेंट को दो बार क्लिक करेंगे, एक बार में इसके बराबर आ गया, दूसरे बार में ये उसके अंदर सबसेट बन गया। अब टीचर के अंदर आते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम तीन बार क्लिक करेंगे। देखिए सभी चीजों का अलग अलग फॉर्मेट में नंबरिंग किया गया है, देख रहे हैं आप लोग। मल्टी लेवल लिस्ट को अगर और अच्छा समझना चाहें तो हम इसका यूज क्वेश्चन बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जहां हमें ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं वहां पर किस तरह से यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल ऑफ झारखंड, इसमें हम ऑप्शन बना लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमने रेडी कर लिया है, अब इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा और मल्टी लेवल लिस्ट में लिस्ट को चुन लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं सारा कुछ नंबरिंग में हो गया है, हमें क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इंक्रीज इंडेंट को एक बार क्लिक कर देना है। देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और सबका अलाइनमेंट भी बहुत बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करें डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बारे में, तो हमने इसका यूज देख लिया है, हालांकि इसे अगर ऐसे सिंपल क्लिक किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीछे की ओर जाता है इंक्रीज इंडेंट, और डिक्रीज इंडेंट ये आगे की ओर आपको टेक्स्ट को मूव करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक सॉर्ट है, और सॉर्ट का मतलब ये है कि आपने अगर ढेर सारे नाम टाइप किए हुए हैं तो
तो उसे अल्फाबेटिक सिस्टम से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम तैयार कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ नाम है इस तरह से। अब अगर इसे सॉर्ट करने चाहें तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट है, यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए हम टेक्स्ट पे ही रखेंगे। अगर यहाँ कोई नंबर होता है तो हम यहाँ नंबर सेलेक्ट करते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं, हम असेंडिंग पे ही छोड़ देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं ए के बाद जे, फिर एम, ओ, आर, यू, इस तरह से अल्फाबेटिक तरीका से ये सारा अरेंज हो चुका है। अगर इसे हम उल्टा करें डिसेंडिंग में तो आप देख सकते हैं इस तरह से होगा। तो इसका भी बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं हम लोग। कभी काम करते वक्त हमें इस तरह की परेशानी हो जाती है कि इस तरह के नाम का हमें सिर्फ ए नाम से अगर चाहिए तो हमें ए नाम वाले सिर्फ ऊपर में दिखाई देंगे, तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ ले लेते हैं और आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये क्या है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट है और ये जस्टिफाई। जस्टिफाई में आपको हर तरफ बराबर के लाइन मिलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं, इसका जरूरत बहुत बार पड़ जाता है। कभी कभी हमारा दोनों लाइन के बीच जो गैप होता है वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, इसे हम मेंटेन कर सकते हैं इसके जरिए। आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं और अगर नहीं रखना चाहें तो पूरा भी हटा सकते हैं। तो सारा आपका देखिए पैराग्राफ भी सेट गया आपस में। इसके बाद है यहाँ पर आपका शेडिंग। अगर हम बात करें शेडिंग्स की, तो इसे अगर हम शेडिंग कर दें तो आप देख रहे हैं कि जो एक बैकग्राउंड में एक कलर फिल हो गया है। हाँ, यहाँ पर आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में अगर अंतर देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, दोनों एक जैसे नहीं है। अगर हम इसे कर दें तो आपको दोनों में फर्क महसूस हो रहा होगा कि शेडिंग में क्या है कि पूरा फिल हो गया है, कहीं भी गैप नहीं है और जहाँ लाइन नहीं है वहाँ भी कलर आ गया है, ये पूरा एक डब्बा बना दिया। लेकिन टेक्स्ट हाईलाइटर का क्या काम है कि वो जहाँ तक टेक्स्ट रहेगा उसको हाईलाइट करेगा और साथ में जो बीच में आपको वाइट वाइट गैप भी दिख रहे होंगे आप ध्यान से देखें तो इसमें यही फर्क है, दोनों एक जैसे नहीं है। फिर आता है ये बॉर्डर। बॉर्डर का क्या जरूरत है, अगर हम इसे ही सेलेक्ट कर लें और अगर ऑल बॉर्डर लगा दें तो एक बॉर्डर के अंदर में आ जाता है। तो यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई चीज़ को अगर ज़्यादा हाईलाइट करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसी तरह ये इसे हम सो हाइड बोलते हैं, जब इसे लगा दें हम सो हाइड को, तो ये क्या है, जहां भी आपने इंटर किया होगा वहां पर ये आपको दिखाएगा, जहां भी लाइन चेंज होता है वहां पे आपको ये दिखाता है। और ये जो बीच में आपको डॉट दिख रहे होंगे, अगर मैं इसे ज्यादा जूम करूं तो यहां पर आपको डॉट दिख रहे हैं, हर शब्द के बीच में एक डॉट है। ये डॉट क्या चीज को दर्शा रहे हैं, ये स्पेस को दर्शाते हैं। जितनी बार हमने स्पेस दबाया होगा वो एक डॉट वहां पर दिखा रहा है, एक बार स्पेस दबाया तो एक डॉट, अगर हम यहाँ पर एक स्पेस और दबा दें देखिए दो डॉट बन गए। जितनी बार स्पेस दबाएंगे उतना वो डॉट से सिंबलाइज करेगा कि हाँ यहाँ पर आपने इतना बार स्पेस लिया है। अब बात करें दोस्तों इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें बहुत बार जरूरत पड़ जाती है, फाइंड रिप्लेस। ये क्या चीज़ है, अगर इसी पैराग्राफ को हम थोड़ा और बड़ा कर दें, कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने 5-6 पेज कुछ टाइप किया हुआ है और उसमें कहीं किसी का नाम यूज किया है, हम ऐसे ही कहीं डाल देते हैं अमित, कहीं भी डाल दीजिए, ठीक है। अब हमें बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ अमित का नाम नहीं था, यहाँ सुमित लिखना था, बाय मिस्टेक हमने अमित लिख दिया है। अब कहाँ कहाँ हमने अमित लिखा है वो हमें भी याद नहीं रहेगा और देख कर भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस का यूज कर सकते हैं और फाइंड से आप उसे ढूंढ भी सकते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज करें, कंट्रोल प्लस एच,
जैसे आप कंट्रोल एच दबाएंगे आपके पास रिप्लेस बटन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, फाइंड व्हाट, तो हम यहाँ लिख देते हैं अमित को। किस नाम से चेंज करना है आपको रिप्लेस विद, तो सुमित नाम से चेंज करना है। आप जैसे ही रिप्लेस करेंगे, ये देखिए सबसे पहले फाइंड करेगा, जैसे ही दोबारा रिप्लेस करेंगे हम, देखिए वहाँ पे सुमित हो गया। अब आपको लग रहा है कि ये सही काम कर रहा है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें, ये आपको बता देगा कि दो रिप्लेसमेंट किया है इसने। देखिए तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ ही ये आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं, इसको आप क्विक यूज़ कर सकते हैं, क्विक यूज़ करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ इसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।